मुरादाबाद में एक मुस्लिम दंपति ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है और न्याय नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही है। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपने परिजनों और पुलिस से परेशान आकर के ये बड़ा आरोप लगाया है। AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि रुवेद के बहन बहनोई ने फर्जी मुकदमे में उन्हें फंसा रखा है, संपत्ति से अलग करने की साजिश रची जा रही है। ये भी आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे में वो हिंदू धर्म अपना लेंगे अगर ये प्रताड़ना बंद नहीं हुई तो सीएम योगी को ये चिट्ठी लिखी गई है। मुरादाबाद के थाना कटघर का ये पूरा मामला करने की वजह से हमारा जो बहनोई है मोहम्मद परवेज, वो एक अधिवक्ता है और वो अपनी वकालत के बल पे गुंडाई दिखाता है। इनफैक्ट हमें कचहरी तक में पैरवी नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी और मुझे दबाया जा रहा है कि किसी सूरत से मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ और सारा माल दौलत मेरी बहन और बहनोई ले लें। नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज भी समाजवादी का गुंडा है बहुत पुराना। वहीं AIMM नेता मोहम्मद रुवेद साबिर की पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं वो भी सुनिए आप। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का। हर कोई पीछा हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे। फिर कानपुर में पुलिस ने सेंट्रल बैंक के 9 लॉकर से जेवरात चोरी होने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में बैंक मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार चल रहे बैंक के लॉकर इंचार्ज की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने 250 ग्राम वजन के जेवर भी बरामद कर लिए हैं, जबकि आरोपियों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स अब खंगाली जा रही है। बैंक मैनेजर, लॉकर इंचार्ज ने मिस्त्री और उसकी टीम के साथ मिलकर ग्राहकों के लॉकर को खाली किया था। पुलिस ने लॉकर तोड़ने वाले मिस्त्री से पूछताछ की तो अभिलेखों की जांच की गई तो मामला खुलता चला गया। आपको बताएं कि बैंक लॉकर से 9 दिसंबर 2021 को चोरी की गई। सेंट्रल बैंक के फिलखाना शाखा के लंबे समय से उपयोग ना होने के चलते 29 लॉकर तोड़े जाने थे। बैंक मैनेजर रामप्रसाद, लॉकर इंचार्ज शुभम मालवी ने इस प्रक्रिया के साथ लॉकर से चोरी की योजना भी बनाई। उन्होंने गोदरेज के लिए स्थानीय तौर पर काम करने वाली कंपनी पैन कमर्शियल के कर्मचारी प्रकाश चंद को अपने साथ मिलाया और निर्धारित समय पर लॉकर तोड़ने के लिए चंद प्रकाश और अपने भाई रमेश और साथी राकेश और करण राज को भी लेकर के आए। इन्होंने लंबे समय से बंद पड़े 20 ऐसे लॉकर्स जो उपयोग में हो रहे थे, वैसे भी 9 लॉकर्स इन्हें तोड़ दिया। इनमें रखे कीमती जेवरात लेकर भी उड़ चले। एक के बाद एक लॉकर से जेवर गायब होने लगे। 9 मामले सामने आने के बाद पुलिस में हड़कंप मचा। आनन फानन में मामले की जांच बिठाई गई तो SIT का गठन किया गया और मामले की जांच जब क्राइम ब्रांच को दी गई तब पुलिस ने बैंक मैनेजर रामप्रसाद, पैन कमर्शियल कंपनी के कर्मचारी चंद्र प्रकाश, उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी कस्टडी रिमांड मांगेगी। वहीं पुलिस फरार चल रहे लॉकर इंचार्ज शुभम मालवी एक अन्य की तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस की रडार पर वो भी ज्वेलर्स हैं जिन्होंने चोरी का माल खरीदा है। में 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जो राम प्रसाद उसके जो बैंक मैनेजर है, उसके चंद्र प्रकाश जो लॉकर ओपन करने वाला था, उसके 2 साथी करण और राकेश, इन 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और इनको हम कल जुडिशियल रिमांड में पेश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड भी इनकी लेंगे और जितना सामान जो गया है उसकी हम लोग बरामदगी के प्रयास करेंगे। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन जारी कर रखा है। कैसे बदमाशों पर खाकी का कहर टूटा है, इसकी 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आगरा की है। यहाँ के थाना एतमादपुर में मुठभेड़ में पुलिस ने 25 हजार के 2 इनामियों को गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, यहाँ भी पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है। तीसरी तस्वीर कासगंज की है, जहाँ 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बदमाश पर 5 जिलों में 23 मुकदमे दर्ज है। तो देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने और किस तरीके से खाकी का कहर टूट पड़ा है इन तमाम नामजद अपराधियों के खिलाफ। देखिए कहीं कोई लगड़ाते हुए चल रहा है, ऑपरेशन लगड़ा के तहत घायल करके मुठभेड़ में तमाम ऐसे अपराधी, इनकी धरपकड़ जारी है। दिन रात
जहां देखिए 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है, 5,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है, 25,000 के दो इनामी गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के गोंडा में भी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने मुठभेड़ में एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया है कि रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस वजह से पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। गिरफ्तार किए गए बदमाश की बात करें तो उस पर 25,000 का इनाम था। सलीम के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। तो देखिए बदमाशों की खैर नहीं है, किस तरीके से धरपकड़ चल रही है इसका अंदाजा आप लगाइए कि गो तस्कर से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। बदमाश का नाम सलीम है जिसके पैर में गोली लगी है।